गुना पुलिस ने लूट के एक आरोपी को अवैध कट्टा के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान नितेश उर्फ प्रिंस पांडे पुत्र सुरेंद्र पांडे निवासी कोटवा अवदादी थाना उरवा बाजार के रूप में हुई है, जबकि दो अभियुक्त मौके से फरार हो गए। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से पुलिस ने 315 बोर का एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल तथा 4030 रुपया नगद बरामद किया है। पुलिस लाइन के सभागार में घटना का खुलासा करते हुए एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया, गिरफ्तार अभियुक्त गल्ला व्यापारी और ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक से लूट करने की कोशिश किया था, लेकिन सफलता नहीं मिली। एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त इसके पहले भी जेल जा चुका है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया, चलो देखा। थाना गोला को एक सफलता मिली है। लूट का घटना हुई थी एक 19 तारीख को मालनपार से, जो दुरियापार चीनी मिल वाली रोड है उस पर एक गल्ला व्यापारी से लूट हुई थी। उस पर इन्होंने प्रयास किया था और एक जो भी अभियुक्त पकड़ा गया है इसने ये भी बताया कि जो अभी एक लूट का प्रयास किया गया है गाजेगढ़ा में, जो वो जो ग्राहक सेवा केंद्र का संचालक था पैसा निकाल के यूनियन बैंक से और गोला से जा रहा था तो उसे लूटने का प्रयास किया, वो पैसा नहीं जा पाया, पैसा उसने बचा लिया था। तो उसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है इंस्पेक्टर गोला और इनकी टीम द्वारा। उस जो गिरफ्तार अभियुक्त है उसका नाम प्रिंस पांडे है, जो कि उरवा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इससे तमंचा, इससे कुछ कारतूस और मोटरसाइकिल जो यूज़ किया था वो बरामद हुआ है और कुछ कैश रुपए 4030 रुपए भी बरामद किए गए हैं। गोला में एक अभियुक्त पकड़ा गया है जो कि लूट का अभियुक्त है। इसका काफ़ी पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। कई अन्य मामलों में, लूट के मामले में ये गया है। इससे एक मोटरसाइकिल और तमंचा बरामद हुआ है, 4030 रुपए भी बरामद किए गए हैं। इसके दो सहअभियुक्त हैं जो अभी फरार हैं, जिसके लिए प्रयास जारी है और जल्द शीघ्र इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। पहले भी जेल जा चुका है? हाँ, ये पहले भी जेल जा चुका है। अपने यहाँ से गया है, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट से और खलीलाबाद डिस्ट्रिक्ट से भी गया है।